नमस्कार दोस्तों, किसी के साथ रिश्ते में बंधे जा रहे होते हैं तो उससे सबसे पहले अपनी सारी बातें क्लियर कर लेनी चाहिए। आज बताती हूँ कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको पहले ही शादी से पहले पूछ लेनी चाहिए। नंबर वन, जब भी आप लड़की देखने या लड़का देखने जा रहे हैं उससे पहले ही ये बात कंफर्म कर लें कि यह शादी उसके किसी दबाव की वजह से तो नहीं हो रही है। अक्सर देखा जाता है कि लड़की हो या लड़का, कभी भी ऐसा होता है कि अगर वह किसी और से प्यार करते हैं तो उनकी शादी वहाँ ना होकर घर वाले किसी और के साथ करवा देते हैं। यदि किसी और के साथ करवा रहे हैं तो वह बात क्लियर नहीं हो पाती है। यदि आप पहले किसी रिलेशन में रह चुके हैं और आप उस रिलेशन को पहले से ही मिटा चुके हैं या फिर किसी वजह से टूट गई है तो अपनी लाइफ पार्टनर यानी कि जो आपकी लाइफ पार्टनर होगी उनसे आप ये बात पहले ही बता दें। अगर आप किसी दबाव की वजह से शादी कर रहे हैं यह बात भी उन्हें पहले ही बता दें, क्योंकि अगर बाद में पता चलेगी तो आपकी शादी में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। नंबर दो, आप हमेशा उनके शौक पूछें कि आपको क्या खाना पसंद है, क्या करना पसंद है या फिर क्या करते हैं अगर आप खाली टाइम पर होते हैं, क्योंकि अगर आपको उनके बारे में पता होगा तो आगे जाके आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैरिज लाइफ को और भी ज़्यादा खुशहाल बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप उन्हें अच्छे से समझ सकें। यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं या जान लेते हैं तो उनकी समझने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। शादी के बाद आपको मैनेज करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। नंबर तीन, रोमांस के बारे में। अक्सर शादी से पहले आपके लाइफ पार्टनर रोमांस के बारे में क्या सोचते हैं और उनकी मेंटेलिटी क्या कहती है यह बात पहले ही डिस्कस कर लें तो बेटर रहता है, क्योंकि आपको भी उनके बारे में पता चल जाएगा कि उनकी मेंटेलिटी और उनकी सोच कहाँ तक है। नंबर चार, यदि आप किसी लड़की से शादी करने जा रहे हैं और लड़की नौकरी वाला है यानी कि किसी कैरियर में आगे बढ़ी हुई है और नौकरी करती है तो आपको उसकी नौकरी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये बात भी पहले ही क्लियर कर लें, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लड़की चाहती है कि वह एक ऊंचा मुकाम पाए, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि घर वालों के दबाव में आकर या फिर फैमिली के दबाव में आकर वह उस नौकरी को छोड़ देती है। पहले ही इस बात को भी डिस्कस कर लें कि आप अगर जॉब करना चाहती हैं तो वह उस जॉब के लिए बाद में मना ना करें। नंबर पाँच, अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप शादी से पहले ये बात भी क्लियर कर लें कि उनकी फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या है और वह फैमिली प्लानिंग के क्या बारे में सोचते हैं। यदि उनकी सोच के बारे में आपको पता होगा तो आप उनकी प्लानिंग के अनुसार ही अपने को ढाल सकते हैं या फिर अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपको समझने के लिए और उन्हें समझने के लिए एक दूसरे को थोड़ा समझना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए ये बातें ज़रूरी हैं। यदि आप अपने लाइफ पार्टनर को और भी ज़्यादा अच्छे से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो ये बातें ज़रूर पूछें। मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।